हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिल पंजाबी। क्या आप भी एक कॉफ़ी लवर हैं जो सर्दियों में चाय की बजाय कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें ध्यान आता है कि उसको 15 से 20 मिनट तक फेंटना पड़ेगा तो हम कॉफ़ी का ख्याल दिमाग से निकाल देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम बनाएंगे बिना फेंटे उतनी ही क्रीमी और झागदार कॉफ़ी, और वो भी बिल्कुल 10 मिनट में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम बढ़ते हैं कॉफ़ी बनाने के प्रोसेस में। सबसे पहले हमें एक छोटा वाला मिक्सर जार लेना है, जिसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर। मैंने यहाँ इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ की है, आप कोई भी कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ डाला है 3 चम्मच चीनी, यानी कि मैंने 1.5 गुना चीनी डाली है। अगर आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो आप 2 गुना भी डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं इसमें डालूंगी वो है आइस क्यूब। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं यहाँ डालूंगी बर्फ़ के टुकड़े। मेरी आइस क्यूब्स थोड़ी छोटी है तो मैं यहाँ 4 आइस क्यूब्स डाल रही हूँ। अगर आपकी बड़ी क्यूब्स है तो आप 2 से भी काम चला सकते हैं। तो जार को बंद कर मिक्सर में सेट करके हमें इसको ऑन ऑफ करके चलाते रहना है। ध्यान रखिएगा, लगातार ना चलाएं, ऑन ऑफ करके 5-5 सेकंड के लिए इसको चलाते रहें। तो शुरू में 3 से 4 बार चलाने के बाद आपका मिक्सचर कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आइस क्यूब्स, कॉफ़ी पाउडर, चीनी बिल्कुल क्रश हो चुकी है और हम इसको फिर से ऑन ऑफ करते चलाएंगे 5-5 सेकंड के लिए। इस प्रोसेस में करीब 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए, और 1 मिनट तक चलाने के बाद इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और ये थोड़ा इस कंसिस्टेंसी में आपको नज़र आएगा। तो फिर से अभी बंद करेंगे और अगले 2 मिनट के लिए हमें इसी तरह से चलाते रहना है। तो बेसिकली इस प्रोसेस में हम गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम गर्म पानी डालेंगे तो एक तो ये मिक्सर जार गर्म हो जाएगा और ऊपर से ये बहुत ही वाटरी कंसिस्टेंसी का होगा, ये क्रीमी नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, लगभग 4 मिनट तक चलाने के बाद ये बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी बन गई है, जिस तरह से हमारी फेंटकर बनती है। तो इसे किसी कटोरी में ट्रांसफ़र करने के बाद इसी में से 2 चम्मच मैंने यहाँ कप में डाला है और उसके बाद हम इसमें ऊपर से मिलाएंगे गर्म दूध। दूध डालते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उसे हमने अच्छी हाइट से डालना है ताकि वो झाग बनकर ऊपर आए। ये देखिए, इस तरह से आप इसे हाइट से डालेंगे और ये आपकी बहुत ही फ्रॉथी कॉफ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर मैंने 1 और चम्मच क्रीम मिलाया है। इसको मिक्स करने के बाद अगर आप इसको गार्निश करना चाहते हैं तो इस तरह से फॉइल में एक हार्ट कट करें और उसको ऊपर इस तरह से रखें। उसके बाद मैंने किसी छन्नी में डाला है 1 कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर को इस तरह से ऊपर से छान लेना है और बहुत ही ध्यान से फॉइल को उठाना है। ये देखिए, इस तरह से उठाने के बाद हमारी परफेक्टली गार्निश की हुई क्रीमी कॉफ़ी बिल्कुल तैयार है। तो आप भी इसी तरह से घर पर कॉफ़ी बनाएं और इसका मज़ा लें।